गाइज, अब तक तुम लोगों ने बहुत सारे अनलकी सिचुएशंस को देखा होगा जहाँ पे प्लेयर्स की तो कोई गलती नहीं होती लेकिन उनका लकी उनका साथ नहीं देता। गाइज, आज स्नैपड्रैगन के ग्रैंड फाइनल में डे वन के मैच टू में जो टीम डी स्पोर्ट के साथ हुआ, टीम डी स्पोर्ट कभी नहीं भूलेगी इस सीन। तो गाइज, टीम डी स्पोर्ट के साथ क्या अनलकी सीन हुआ तुम लोग खुद ही देख लो। आएगा एसीएटी का मतलब मिड या लॉन्ग रेंज फाइट, इजी रिवाइवल, बट रेड जोन के अंदर आप देखिए ये कितने सारे प्लेयर एडीसी के साथ डी स्पोर्ट्स का एक नहीं दो दो प्लेयर यहां पे डाउन हो चुका है। और देखिए बाकी प्लेयर्स चीनू के बहुत क्लोज गिरा, दूसरा वाला भी अगर यू नो वो नॉक एंड फिनिश हो जाते और बाकी प्लेयर्स अगर किल फील रीक फिनिश ऑफ भी हो गए, इतना अनलकी मतलब यहां पे आरएनएस चीनू रोशन डी स्पोर्ट्स यहां पे नो जिस तरीके से एक डिसएडवांटेज सिचुएशन में फंसे हैं और सिर्फ डेंजर जोन के वजह से, एंड इसमें किसी को ब्लेम नहीं कर सकते ब्लैक। मैं सिर्फ एक चीज कहूंगा, रोशन कह रहा होगा इससे अच्छा तो अकेले जाके फाइट ले लेता, कम से कम मुझे तसल्ली तो मिलती। ऊपर से नेड आया यहां पे, कालाहारी ने कर दिया उनके साथ सितम, बट इस का फोर अनु को चैलेंज करने मैं देख सकता हूं केमिन आ चुके रिफाइनरी की तरफ जहां पे एम गॉड फंस चुके पूरी तरीके से नीचे वाले छोर पे, उनके पास ब्लू वॉल है बहुत ज्यादा कम एचपी पे, पर पीछे उनका एक और प्लेयर आशुष।